ये मेरी धर्म की लड़की है, ये एनजीओ की अनाथ लड़की है, जो ये एनजीओ बवाना में 18 साल रही है, उसके बाद ये वहाँ पे नहीं रखते 18 साल के बाद। फिर ये एनजीओ से आने के बाद अब कोई था नहीं इसका, इसने बहुत परेशानियाँ देखी, वो मैं ही जानता हूँ, ये जानती है, मैं बता नहीं सकता आपको। तो फिर ये पता नहीं कैसे भगवान की दया से 6-7 साल हो गए हैं मैंने लड़की बना ली, जबकि मेरी 3 लड़कियाँ और 2 यहीं हैं मेरे हिमाचल में। खाने पीने की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, और अभी हम अभी रोड में सो रहे हैं, और इस बच्ची हमारे साथ रोड में सो रही है, इस कारण कि मना कर दिया शादी के, बच्चा जैसे हुआ तो मना कर दिया। भैया मैं तो उम्मीद करती हूँ कि बस इस बच्ची का एजुकेशन अच्छा हो जाए बस। आप पहले एनजीओ में रहा करते थे, तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पर अब नहीं अलाउड नहीं करते ना, वहाँ पर अब क्यों मना कर देते हैं ना, वहाँ पर 18 साल, वहाँ पर ऐसा होता कि 25 साल के 25 साल 20 साल में कोई आना जाना बंद हो जाता है वहाँ पर सबका, इसीलिए तो वहाँ पर 18 साल के बाद सबको निकाल देते हैं। बड़ी मुश्किल में हो पाता है। अब ये देखो, अभी मैंने दूध मंगवाया, अभी अब दूध के पैसे अब हुए हैं जाके, अब दूध का फिर देखेंगे भाई, किराया भी चाहिए 10-20-30 हज़ार आने जाने का, वो भी बहुत दिक्कत है, सारी दिक्कत है। रोड पे कौन, ठंड में 3 महीने की बच्ची लेके कौन बैठेगा सड़क पे? लॉकडाउन के बाद हुआ ही ऐसा, ये कोरोना बीमारी के बाद। पहले ठीक था, अच्छा था, बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी किसी किस्म की, बहुत बढ़िया था। अभी कितने लोगों का पेट पाल रहे हैं आप? 3 जने हैं जी हम। आप 3? ये बच्चा है, ये लड़की है, मैं हूँ।